हम आ गए हैं अगोंडा बीच। अगोंडा बीच पे यहाँ पे एक चर्च है एक्चुअली, और ब्यूटीफुल चर्च है, और चर्च जो है सी के किनारे लगा हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम सी, यहाँ से दिखता है, आप देखिए ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटी पे मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, आई थिंक कुछ रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग आए हुए हैं। ब्यूटीफुल बीच, ब्यूटीफुल वे, इसका कोस्ट बहुत बड़ा है, आप देखिए इधर से, और वो शुभी और उसकी मम्मा है। हाय, हेलो, से हेलो टू पापा। गाइस इधर हैं, अरे भागो रहे। और ये देखिए आप कितने मेरे भी गीला कर दिया, क्योंकि ये चप्पल देखो तुम्हारे। ये तो बता दो पापा को क्या कर रही हो। मिठाई बोंडा, बोला क्या होता है ये? मोदक। गणेश जी के लिए मोदक बना रही है वो। तो फ्रेंड्स ये है पणजी, और ये पणजी का न्यू ब्रिज था जिसके ऊपर से हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे। हमेशा ही हम दूसरे ब्रिज पे से जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, नया बना हुआ था और एकदम मौसम भी बहुत अच्छा था। तो फ्रेंड्स ये कुछ बंगलो है जिसमें इनमें से ही कोई सा एक बंगलो सुनील शेट्टी का भी है जो हमने पहले भी देखा हुआ था, पर ये इतने ज़्यादा ऊपर दीवारें रहती है कि आप कुछ भी नहीं देख पाते, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 3। अभी हम लोगों ने चेकआउट कर दिया है द शोर तोलेलिम बीच से, साउथ गोवा से अब हम जा रहे हैं नॉर्थ गोवा। आज जाएंगे हम लोग कलंगुट बीच, कैनोलिम बीच नॉर्थ गोवा में। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है वहाँ जाना। मतलब मुझे अच्छा लगता है वहाँ पर। और आज शाम को हमारी बस है मापुसा से पुणे के लिए 9:30 की, तो चले चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज आज का दिन। बोल दो केवी, लेट्स गो, हाय गाइस, बोल दो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मम्मा खाएगी तो नहीं खाते, अच्छा लग रहा है। ये केवी है, ये है प्योर वेज। हाँ तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ गोवा कैंडोलिम, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। पहले हम देख रहे हैं रेस्टोरेंट। तो फ्रेंड ये है सिंकेरेम बीच जो कि नॉर्थ गोवा में है, और यहाँ भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, मतलब मैं जो लास्ट 2-3 बार गई थी तब मैंने नॉर्थ गोवा और जो चीज़ें देखी थी वही देखी, लेकिन इस बार हर चीज़ न्यू एक्सप्लोर की। ये भी अम्मू ने लास्ट टाइम जब गए थे तब न्यू एक्सप्लोर किया था। ये सबसे लास्ट में नॉर्थ गोवा में है और कुछ ऐसा फोर्ट की दीवार के आसपास बना हुआ था। यहाँ पर देखे हम दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अम्मू जो है पार्किंग लगाने गए थे और बहुत छोटी सी जगह थी और बहुत लंबी पार्किंग थी, तो हम वेट कर रहे थे अम्मू के आने का। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ताज होटल ने लिया है, मीन्स ताज होटल ने इसका एक्सेस ले लिया है और अब प्राइवेट हो गया है, और ताज होटल को प्राइवेट एक्सेस है इस बीच का। और ये देखिए फ्रेंड्स, जहाँ गुजराती लोग और वहाँ गरबा ना हो ऐसा हो सकता है? ये कुछ ग्रुप था गुजराती लोगों का जिन्होंने सॉन्ग्स लगाया गुजराती ढोलीरा, और वो लोग चालू हो गए बीच में ही अपना गरबा करने के लिए, बड़े मज़े कर रहे थे। ढोलीरा
मामा कैसी हो आप? और मेरी बेटी पानी पी रहे हैं। बीच का रास्ता कहाँ से है? ये सामने रास्ता। स्वागत है आपका कैंडलिन बीच पे। ये देखिए यहाँ लग रहा है माहौल। खा रही हूँ फ्रेंच फ्राइज और ये आ गया है कलंगूट। अभी भी दूर है लेकिन यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। अभी कीवी के लिए 3 सेट एक जैसे लिए ना। भैया स्विमिंग कॉस्ट्यूम है क्या बताना? ये देखो भाई के लिए देखो। और ये देखिए फ्रेंड्स मैजिक पर्स, दिखाती हूँ अभी आपको एक मैजिक। ये देखिए अभी कलर देखा था ना, अब देखिए ये कलर कैसा है। एक्चुअली आप अपने फ्लैशलाइट ओपन कर जब भी ऑन करेंगे तो आपको ये बैग का कलर कुछ इस तरह से दिखेगा। बड़ा प्यारा लग रहा था चकमक। कट भी गया देखो, पोस्टर कैसे कट गया, नीचे साइड हो गया एकदम। हाँ अम्मो यहाँ पर सब सेक वेक सब लगे, लेकिन सेक लगे पूरे भीड़ कितनी। ओ फ्रेंड्स ये देखिए, ये था अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़। हम लोग कीवी और मैं बीच पे थोड़ा सा ऐसे ही घूम रहे थे और अम्मू ने बोला कि मैं अभी आता हूँ, और थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि वो यहाँ पर टैटू बनवा रहे थे। दिस वॉज सीरियसली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमारी बस भी थी बट मैंने सोचा नहीं था कि अम्मू यहाँ पर टैटू बनवाएंगे, और उन्होंने शायद पहले से ही सोच के रखा था। लेट्स सी कैसे बनता है इनका ये नया टैटू। तो फ्रेंड्स ऐसे तो आपको पता ही होगा गोवा में टैटू बहुत इजीली और बहुत रीजनेबल प्राइस पे बन जाते हैं। पेन होता है बट हाँ बहुत अच्छा भी लगता है।
फाइनल बताएंगे। दिन में दो टाइम आइसक्रीम लेंगे ना, क्या रहा स्टार्टिंग में? भैया बहुत अच्छा भैया, लेकिन यहाँ देखो ये ऊपर नीचे लिख रहा है ये ना। तो फ्रेंड्स, टैटू बनवाने के बाद इतना टाइम नहीं था कि हम लोग बैठ के डिनर कर पाए, तो मैंने पार्सल करवा लिया था और हमने बस में ही खाया। और कुछ ऐसा था हमारा गोवा में, 3 दिन हमने बहुत एंजॉय किया। थोड़ा लास्ट डे पे कीवी की तबीयत ऊपर नीचे हुई थी, बट बच्चा है तो इतना तो चलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं गोवा सीरीज़ को और इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको हमारे साथ गोवा घूमने में मज़ा आया हो, आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching. Bye bye.